डॉक्टर साहब, किस संबंधित में सीएमओ साहब के साथ आप लोगों की बैठक थी? बस हम लोग ये जो डॉक्टर चंदेल के लिए FIR लगी है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसके लिए हम लोग उसके अगेंस्ट में ये बात करने आए थे। जी, लगभग कितने लोग शामिल हुए थे? लगभग पूरा आई में है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरा आई में है, क्योंकि आपने हमसे बोला कि हम एमरजेंसी सेवाएँ भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अगर एमरजेंसी सेवाएँ दे रहे हैं तो कोरोना तो किसी को भी हो सकता है भाई, उसमें आप हैं, हम हैं, कोई किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को हो गया तो आप क्या उसको आप FIR कर देंगे? सीएमओ साहब ने कुछ आश्वासन दिया क्या? दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा आश्वासन दिया, मैं इसमें देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। ऑफिस आने की जरूरत इसे पड़ गई है कि कल हम लोगों की DM साहब से बात हुई थी, इसमें हम लोगों ने कहा है कि बाकी जिले में, बाकी प्रदेश में अगर किसी डॉक्टर के घर का कोई आदमी या किसी भी अच्छे घर का कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव आता है और उसको घर में क्वारंटाइन की सुविधा हो सकती है, ये मांग करी गई है कि उसको उसके घर के सदस्यों को घर पर ही होम क्वारंटाइन करने का सुविधा दिया जाए, जो कि रायबेली में नहीं दी जा रही है। इससे क्या होगा कि सरकार के बाकी रिसोर्स भी बचेंगे, जिसमें अगर किसी और की जरूरत होगी तो उसको यूज़ कर सके, और चाहे तो जैसे दिल्ली में घर के बाहर लिख दिया जाता है कि इस घर में कोरोना से संक्रमित परिवार के कांटेक्ट के लोग रहते हैं, कृपया यहाँ पे ना जाएं। ये सुविधा की डिमांड करने हम लोग यहाँ पे आए हुए। डॉक्टर चंद्रेल साहब के ऊपर जो कार्रवाई करी गई है वो बेसिकली प्राइवेट लैब के आधार पर इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी गई है कि सारे डॉक्टर लोग डर गए। प्रशासन ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया है कि सरकारी रिपोर्ट में क्या आता है, गलत आता है, सही आता है, ये इसका इंतजार नहीं किया गया और बहुत ही कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। 5 तारीख की रिपोर्ट डॉक्टर चंद्रेल की निगेटिव आ गई है और जो दूसरी रिपोर्ट है सुनने अभी पक्के तौर पे रिपोर्ट से वो ऑफिस में नहीं आई है, लेकिन वो आएगी तो और बताया जाएगा। अच्छा, आपकी FIR वाली बात अब तक माने नहीं हुई? नहीं, हम लोगों की नहीं, FIR तो उन पर दर्ज हो गई है और उसको वापस नहीं लिया गया। तो आप कल कह रहे थे कि अभी कैसे लड़ाई का अगला मूव क्या होगा? लेकिन लड़ाई में इस तरह से होगी कि जिससे जनता सफर ना करे। हम लोग सुबह IMA के लगभग सारे सदस्य टेलीफोन द्वारा सरकार के आदेश पे मरीजों को सुविधा दे रहे हैं, ऑनलाइन जो भी एडवाइस हो सकती है मरीजों को सुविधा दे रहे हैं, और कुछ अस्पतालों को अलाउ किया गया है उनसे जो है सुविधा मतलब दी जा रही है, मरीजों का जो इलाज संभव है वो किया जा रहा है। लेकिन हम लोग लड़ाई इस तरह से करते रहेंगे कि हम लोग बीच बीच में प्रशासन के अधिकारियों को अपनी बात जा जाकर अभी कहते रहेंगे, फिलहाल अगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग विचार करके कोई इस पर कड़ा कदम उठा सकते हैं।